तस्वीरों में जो स्कूल आप देख रहे हैं, वैसे तो यह शिक्षा का मंदिर है, लेकिन शिक्षा यदि कहीं से चुराई जाए तो दूसरे छात्रों के लिए बेईमानी होगी और इस कार्य में गुरुजन भी सहयोगी बने तो बड़ी विडंबना कही जाएगी। ऐसा ही मामला विदिशा जिले के बेहट स्कूल से आया है, जहां पर स्कूल के छात्र की जगह दूसरे स्कूल में अध्ययनरत छात्र परीक्षा देता पाया गया। जब इस बात को संबंधित परीक्षा केंद्र प्रभारी व ड्यूटी दे रहे शिक्षकों को सूचित किया गया तो बात को टाल मटोल करने की कोशिश की गई व वंद जुबान से नकल कराना गुरुजनों ने स्वीकार किया। इस पूरे मामले पर कांग्रेसी प्रतिनिधियों ने रोष जताया है। परसों के दिन ग्राउंड में मैं पहुंचा, वहां पर देखा कि कुछ बच्चे मास्क से पहने हुए निकल रहे थे। अचानक मेरी नज़र पड़ी, 8वीं की परीक्षाएं चल रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि वहां पर जो बच्चे बाहर के स्कूल के बच्चे थे वो वहाँ परीक्षा दे रहे थे और जो वहाँ परीक्षा जिनको देना थी वो उपस्थित नहीं थे। मुझे जानकारी लगी थी, तब उनके वहाँ के उनसे पूछा मैंने मैडम से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात में जानकारी वहाँ पर रोल नंबर अनुसार बच्चे बैठना चाहिए, उनकी जगह दूसरे बच्चे परीक्षा दे रहे थे। वहाँ पर हमने ये वीडियो बनाए, हमारे पास साक्ष्य है। तो आप मानिए व्यापन जैसा घोटाला प्रदेश में हुआ तो छोटी जगह भी ऐसे घोटाले होते हैं। मेरा ये मानना है कि प्रदेश सरकार जो जिस तरह से व्यापन मामला उठा था, वो चूँकि शहरों में जो प्रक्रिया चल रही थी वो शहरों में हो रही थी और शहरों में ही वो उन पर सारा दबाव था, तो उससे हटने के लिए उन्होंने अचानक ऐसी छोटी छोटी जगहों पर व्यापम को ले गए, वो घोटाले को करने के लिए। उसमें ये बरेट का केंद्र आया होगा, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आता। आपके माध्यम से संज्ञान में आया तो हम जो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी वो हम कांग्रेस जन सभी मिलकर उसको परीक्षा चलते